हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माय चैनल। स्टूडेंट, आज की वीडियो फिर से एमसीक्यूज बेस्ड रहेगी, जो कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम वेटनरी असिस्टेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि आउटर प्लेन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को किस नाम से पुकारा जाता है। तो उसे बाजवत और अंदरवा दोनों कहते हैं, तो बोथ इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लॉन्गिट्यूडनल वैली बिटवीन शिवालिक एंड लेसर हिमालय, ठीक है, ऐसी लॉन्गिट्यूडनल वैली जो किसके बीच में पाए जाएँ, शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं दून्स। क्या कहते हैं? दून्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैष्णो देवी इज द केव इन द, वैष्णो देवी जो केव है वो कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है लेसर हिमालय में। कहाँ पाई जाती है? लेसर हिमालय में, ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वुमेन इन स्पेस वाज, जो पहली वुमेन स्पेस में पाई गई वो कौन थी, वो थी वैलेंटिना टेरेस्कोवा, ठीक है। और अगर बात करें इसकी, ये कहाँ की थी, ये सोवियत की, ये सोवियत की रहने वाली थी और फर्स्ट वुमेन थी जो 16 जून 1963 में स्पेस में गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। आप ना बिना ऑप्शन देखे इसका आंसर दे सकते हैं, कैपिटल ही तो बतानी है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, जल्दी से कमेंट करें जब तक ऑप्शंस में सामने लाता हूं। तो सबको पता होगा छत्तीसगढ़ की कैपिटल जो है वो है रायपुर। छत्तीसगढ़ की कैपिटल कौन सी है? रायपुर। सबने ठीक आंसर दिया होगा। अगला क्वेश्चन था कि रांची किसकी कैपिटल है, जल्दी से बताएं रांची किसकी कैपिटल है। रांची कैपिटल है स्टूडेंट झारखंड की। किसकी कैपिटल है? झारखंड की, ठीक है। उसके बाद पटना किसकी कैपिटल है, बहुत इजी है, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम, इनमें से सिक्किम की कैपिटल कौन सी है, जल्दी से कमेंट करें। तो सिक्किम की कैपिटल आपके पास गंगटोक आ गई, क्लियर, ठीक है। उसके बाद ईटानगर किसकी कैपिटल है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की, सबको पता होना चाहिए ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, याद रहेगा। अगला है कि दीसपुर किसकी कैपिटल हो सकती है, जल्दी से कमेंट करें दीसपुर किसकी कैपिटल है। आई होप ये भी सबको पता होगा, असम की, किसकी है, असम की कैपिटल कौन सी है, दीसपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन डिड इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, जल्दी से बताएं इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट किया था, 1974 में। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ, 1974, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, जेके बोस सबको पता है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमर महल पैलेस प्लान्ड फॉर अ फ्रेंच आर्किटेक्ट, ठीक है। अमर महल महल पैलेस जो था वो एक फ्रेंच आर्किटेक्ट से ने बनाया हुआ है, और कब बनाया था, 1862 में। किस रिवर के किनारे बनाया हुआ, तभी के सबको पता होना चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन की, द फर्स्ट F1 मोटर रेसिंग ड्राइवर फ्रॉम इंडिया, इंडिया से पहला F1 ड्राइविंग रेसिंग के लिए कौन सा इंसान यहां से गया था, वो था नारायण कार्तिकेयन, ठीक है, याद रहेगा आपको, बी इज द राइट आंसर, नारायण कार्तिकेयन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नर रूल इम्पोज्ड इन J&K, पहली बार गवर्नर रूल कब इम्पोज्ड हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। ऐसे तो बहुत बार अभी के टाइम पे हो चुका है, मगर पहली बार कब हुआ था, मार्च में 1977 में गवर्नर रूल इम्पोज्ड हुआ था। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन गवर्नर इंडिया का था यहाँ पर, सॉरी J&K का था, जब J&K में पहली बार गवर्नर रूल लागू हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, गुलमार्ग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K, तो गुलमार्ग जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, बारामूला में, ठीक है। गुलमार्ग कहाँ पाया जाता है, बारामूला में। इसी के साथ एक क्वेश्चन में और पूछता हूँ कि सोनामार्ग कहाँ पाया जाता है, जल्दी से कमेंट करें, सोनामार्ग कहाँ पाया जाता है, जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर, इसका भी सबको पता होगा।
तो अगर बात करें इसकी तो सोनामार्ग गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। गांदरबल डिस्ट्रिक्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला इसी के साथ में क्वेश्चन है कि कोलाहाई ग्लेशियर कहाँ पे पाया जाता है। ये क्वेश्चन ना आपके फा के एग्जाम में भी मिला था, कोलाहाई ग्लेशियर जो था वो कौन सी जगह पे पाया जाता है, तो वो पहलगाम में था। राइट आंसर क्या था उसका? पहलगाम इज द राइट आंसर। कोलाई ग्लेशियर पहलगाम में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द लेयर ऑफ एटमोसफेयर इन विच द ओजोन लेयर लाइज इज द, ऐसी लेयर बताओ किसकी, एटमॉस्फेयर की, जहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है, वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। और जितनी भी आपकी एयर बस वगैरह फ्लाई करती हैं क्रॉस कंट्री में, वो सारी की सारी किस लेयर में घूमती हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिंग लेयर है जो हमें बचाती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? O3। क्या फॉर्मूला है इसका? O3, याद रहेगा O3। जब O2 रिएक्ट करता है O के साथ तो O3 बनता है। O3 फॉर्मूला था किसका? ओजोन लेयर का, याद रहेगा आपको, ठीक है। चलिए, और साथ में स्ट्रेटोस्फीयर सेकेंड नंबर में पाई जाने वाली लेयर है, याद रहेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट लेक, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। देखो फर्स्ट लार्जेस्ट लेक कौन सी है पहले वो बताएं। फर्स्ट लार्जेस्ट लेक जे एंड के की कौन सी है, जल्दी से कमेंट में बताएं। तो फर्स्ट लार्जेस्ट लेक सबको पता होगी, वो थी वूलर, ठीक है। ये क्वेश्चन VLW के एग्जाम में भी पूछा गया था, ठीक है। तो आंसर उसका क्या था? वूलर था, फर्स्ट लार्जेस्ट। और फर्स्ट फ्रेश लार्जेस्ट जो थी, फर्स्ट लार्जेस्ट वाटर वाली लेक जो थी वो कौन थी? वूलर थी। इंडिया की भी, जे एंड के की भी और एशिया की भी, याद रहेगा। इसी के साथ में सेकंड लार्जेस्ट लेक जो है जम्मू एंड कश्मीर की, वो है डल लेक। कौन सी है? डल लेक है, याद रखना। और ये वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है बाकी लेक्स में से। तो देख सकते हैं आंसर क्या है, बी इज द राइट आंसर, डल लेक इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं, ठीक है, मानसबल लेक को क्या कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली मानस लेक को क्या कहा जाता है? इसको सुप्रीम जेम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुप्रीम जेम ऑफ ऑल लेक्स, सुप्रीम जेम ऑफ ऑल लेक्स, याद रहेगा, सुप्रीम जेम ऑफ ऑल लेक्स कहा जाता है इसको। और साथ में मानसबल जो है ये डीपेस्ट लेक है, डीपेस्ट लेक है, ठीक है, डीपेस्ट लेक है। इसी के साथ में क्वेश्चन आपके लिए कि मानसबल लेक एक चीज और की वजह से फेमस है, ठीक है, वो क्या चीज है? फ्लावर या लोटस? ये तो मैं इजी है, आपको, आप आराम से बता सकते हो इसके बारे में। तो आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की, सॉरी। हु वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम? कौन था? सीके नायडू इज द राइट आंसर। सीके नायडू इज द राइट आंसर, फर्स्ट कैप्टन जो था इंडिया की टेस्ट टीम का, फर्स्ट कैप्टन सीके नायडू, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द ट्रिटी ऑफ अमृतसर वॉज साइंड बिटवीन महाराजा गुलाब सिंह एंड, ठीक है। जो ट्रिटी ऑफ अमृतसर जो थी ना, वो साइन की गई थी किस किस के बीच में? एक तो महाराजा गुलाब सिंह थे, दूसरे कौन थे? फ्रेडरिक क्यूरी बर्नेट और मेजर लॉरेंस, बोथ इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु वाज द फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी? डोगरा डायनेस्टी को फाउंड करने वाले कौन थे? वो थे महाराजा गुलाब सिंह इज द राइट आंसर, ठीक है। फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी महाराजा गुलाब सिंह, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, महाराजा गुलाब सिंह वाज सक्सेसेड बाय, इनके बाद कौन इनकी जगह बैठा था गद्दी पे? तो वो थे महाराजा रणबीर सिंह। कौन थे? महाराजा रणबीर सिंह। उसके बाद कौन आए? महाराजा प्रताप सिंह। और उसके बाद महाराजा हरि सिंह, ठीक है, जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसिन साइन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मानसबल लेक सिचुएटेड? मानसबल लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, जल्दी से कमेंट करें। आई होप सबको पता होगा इसका। तो गांदरबल इज द राइट आंसर। गांदरबल में क्या पाई जाती है? मानसबल लेक पाई जाती है, मानसबल लेक
पाई जाती है, जो फेमस है लोटस के लिए, सुप्रीम जेम कहा जा कही जाती है, और डीपेस्ट लेक है, सबसे डीपेस्ट लेक यही है। ठीक है, आगे है रिबोफ्लेविन इज द अदर नेम ऑफ विटामिन के, और भी साइंटिफिक नेम दे जाते हैं। तो रिबोफ्लेविन किसका नाम था, वो था B2 का, B2 को रिबोफ्लेविन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑफ्टन नाउन एज, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को किस नाम से पुकारा जाता है, ठीक है जल्दी से बताएं, उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि दुनिया में कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है, ठीक है, कोई भी बॉडी ऐसी, मतलब कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। ठीक है, दिस इज नाउन एज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, थर्ड लॉ क्या था, वो तो बहुत इजी था, सबको पता होगा, थर्ड लॉ था एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, याद रखें। और सेकंड लॉ था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है याद रहेगा। उसके बाद उसका रिजल्ट निकला था फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये भी कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द वाइट ब्लड सेल RWBC प्रोड्यूस, हमारी बॉडी में WBC किस जगह पे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है याद रखेंगे वो कहाँ पे पाए जाते हैं और कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, बोन मैरो में। कहाँ पाए जाते हैं, किस जगह पे प्रोड्यूस होते हैं, बोन मैरो में। और इनका बॉडी में फंक्शन क्या होता है, इनका बॉडी में फंक्शन ये होता है कि कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन एंजाइम या कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर इंटर करता है तो उसको मारकर आपको छुटकारा दिलाने का काम करते हैं WBC, क्लियर। ठीक है, WBC जो है वाइट ब्लड सेल होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। अब हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती तो इस वजह से इनका कलर नहीं होता, और रेड ब्लड सेल का कलर रेड क्यों होता सबको पता है, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके सामने कि इन विच ईयर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया चेंज इट्स कैपिटल, मतलब कौन से ईयर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी कैपिटल को चेंज किया था फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, वो था 1911। कब था, 1911। तो आप कमेंट करेंगे 1911 में और क्या चीज़ हुई थी, देखते हैं पता है या नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो में ये क्लियर कर लूँगा मैं आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 8 मेंबर स्टेट्स ऑफ सार्क, ठीक है जल्दी से कमेंट करें। तो वो थी कोलंबिया, सार्क में कोलंबिया नहीं पाई जाती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिप्लेस सदरे रियासत बाय गवर्नर, कब किया था और कौन सा अमेंडमेंट था, वो था 10th अमेंडमेंट 1973, याद रखेंगे, सॉरी गलती होगी, ये था 6th अमेंडमेंट 1965 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि रंजीत सागर डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, ये रंजीत सागर डैम जो है ये किस रिवर के ऊपर बना है, ये कौन से रिवर के ऊपर बना है या बनाया गया है, ये रावी रिवर के ऊपर बनाया गया, किसके ऊपर बनाया गया, रावी रिवर के ऊपर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, अरावली, अरावली इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज और ये यंग फोल्ड माउंटेन माने जाते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, द मीडो ऑफ गोल्ड विच प्लेस इज आल्सो नाउन एज मीडो ऑफ गोल्ड, उसे सोनामार्ग कहते हैं, और गुलमार्ग को मीडो ऑफ फ्लावर कहते हैं, क्लियर है। ठीक है, पहलगाम को शेफर्ड लैंड कहते हैं, ठीक है याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है कि द नेशनल हाईवे विच कनेक्ट द कश्मीर वैली टू जम्मू, तो 1A इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट, इन विच ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड, कब हुई थी, 1600 में ये हुई थी। उसके बाद तो विच अमंग द फॉलोइंग कॉलेज वाल आल्सो नाउन एज प्रिंस ऑफ वेल कॉलेज, कौन सा है वो, प्रिंस ऑफ वेल कॉलेज, GGM साइंस कॉलेज, ठीक है याद रहेगा आपको। ठीक है, हु क्रिएटेड प्रिंस ऑफ वेल कॉलेज एंड श्री प्रताप कॉलेज इन JNK, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे
प्रिंस ऑफ वेल कॉलेज को जानते हैं, साइंस कॉलेज के नाम से जो जाना जाता है, जो जीवल के पास में है, मगर ये याद रखेंगे कौन सा श्री प्रताप कॉलेज, ये दोनों ठीक है, ये किसने क्रिएट करवाए थे, महाराजा प्रताप सिंह ने, किसने करवाए, महाराजा प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा हरि सिंह वाज द डैश ऑफ महाराजा प्रताप सिंह, ठीक है, हरि सिंह कौन थे, वो थे नेप्यू, ठीक है, याद रहेगा, सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द मेयरमेंट ऑफ विच पैरामीटर इज गिवन बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, उसमें किसको मेयर किया जाता है, मैंने जस्ट अभी ऊपर बताया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, और मेयर किसको किया जाता है, फोर्स को, यहां पर फोर्स इज द राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड डैश, पूना पैक्ट जो है किस किस के बीच में साइन किया गया था, ठीक है, एक तो महात्मा गांधी थे और दूसरे कौन थे, भीमराव अंबेडकर, ठीक है, इन दोनों के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ था। नेक्स्ट है, द रेड फोर्ट इन दिल्ली वाज द रेजिडेंस ऑफ एम्पायर ऑफ विच आर द फॉलोइंग डायनेस्टी इन द 17th सेंचुरी, तो बनाया मुगलों ने था तो वहां रहते भी कौन थे, मुगल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फॉर हाउ मैनी डेज डिड महात्मा गांधी वॉलंटियर्स ऑफ द साल्ट सत्याग्रह वॉक, ठीक है, कितने दिन के लिए उन्होंने वॉक किया था, 24 डेज के लिए, ठीक है, साल्ट सत्याग्रह 1930 में हुआ था, याद रहेगा, और वहीं पर उन्होंने साल्ट लॉ ब्रेक कर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इम्प्रिजन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ बाय औरंगजेब, मतलब पूरी लाइफ के लिए किसको औरंगजेब ने कब्जे में रखा था अपने पास, वो थे शाहजहान, मतलब शाहजहान को उसने जेल में रखा था अपने पास, किसने, औरंगजेब ने, ठीक है। चलिए, इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ, ठीक है, यहाँ दो ऑप्शन दिए हैं, इन दोनों ऑप्शन को आप कट कर लेंगे, ये दोनों इसका आंसर नहीं है, बांग्लादेश इज द राइट आंसर, ठीक है, क्या है, बांग्लादेश इज द राइट आंसर, ठीक है, कोई डाउट इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड डेटा बुक कंटेन डेटा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, उसमें सारे के सारे इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में बताया जाता है, वो स्पीसीज जो दुनिया से बिल्कुल खत्म होने की कगार पे पहुंच चुकी हैं, ठीक है, याद रहेगा, एक्सटिंक्ट स्पीसीज वो होती है जो दुनिया से खत्म हो चुकी हैं, और एक और वर्ड यूज करते हैं कभी कभी हम, एंडेमिक, एंडेमिक होता है जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहती हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज आल्सो नाउन एज अर्थ ट्विन, अर्थ ट्विन किसको कहा जाता है, अर्थ ट्विन कहा जाता है स्टूडेंट वीनस को, किसको कहा जाता है, वीनस को, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ एरिया, एरिया के मुताबिक इंडिया जो है वो कौन से नंबर पे आती है, 7th रैंक पे आती है, ठीक है। सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर, सोडियम मेटल को किसके अंदर स्टोर किया जाता है, ठीक है, जल्दी से बताएं, सोडियम जो है ये मोस्ट रिएक्टिव में आता है, सोडियम जो है ये मोस्ट रिएक्टिव, सबसे पहले आता है पोटाशियम, कौन सा, पोटाशियम, पोटाशियम के बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है, सोडियम, ठीक है। अब ये चीजें बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं और ये बहुत जल्दी रिएक्ट भी कर जाती हैं, तो इसी वजह से इसको किसके अंदर स्टोर किया जाता है, कैरोसिन के अंदर, क्यों करते हैं, क्योंकि कैरोसिन के साथ ये रिएक्ट जल्दी जल्दी रिएक्ट करता ही नहीं है, ठीक है, और सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है और ये पानी के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है और रिएक्शन बहुत ज्यादा वायलेंट होती है, रिएक्शन बहुत ज्यादा वायलेंट होती है और धमाका तक भी हो सकता है, इवन कि अगर आप पानी के अंदर सोडियम को डालोगे तो पानी के अंदर आग भी लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन और हीलियम निकलती है और जिस वजह से रिएक्शन होने की वजह से आग लग सकती है, और ये इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसको चाकू से काट भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस द फ्लूड नाउन एज बाइल, हमारी बॉडी में लीवर प्रोड्यूस करता है और लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी है, याद रहेगा आपको, और ये लीवर बाइल जूस रिलीज करके स्टोर कौन सी जगह पे करता है, गाल ब्लैडर में, और गाल ब्लैडर में तब तक स्टोर करता है जब तक चाहिए नहीं होगा, जब चाहिए होगा रिलीज करके इस्तेमाल करवाएगा, ठीक है। इसी के साथ बात करें पेनक्रियाज की, तो पेनक्रियाज भी एक ग्लैंड है हमारी बॉडी में, इसको येलोइश कहते हैं, और ये पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है ऑन द फोल्ड ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन के बीच में, सबने देखा होगा, जस्ट लाइक एक लीफ की तरह ये वहाँ पे पाया जाता है, और ना ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एंजाइम भी रिलीज करता है, ठीक है, और एक एसिड भी रिलीज करता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और साथ में
ये एक इम्पोर्टेंट चीज रिलीज करता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन। क्या रिलीज करता है? इंसुलिन, ठीक है, जो शुगर को ब्रेक करके इंसान को डायबिटीज मुक्त करता है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये कम हो गया बॉडी के अंदर तो डायबिटीज की बीमारी होना अनिवार्य है, ठीक है, याद रहेगा आपको। और इसी के साथ लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है, लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, तो पहले वो था आपके पास कौन सा, गोरखपुर वाला, ठीक है, वो चेंज हो चुका है, अब जो नया है वो स्टूडेंट हुबली है जो कर्नाटका का है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको भी करेक्ट कर लें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बना कर लाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।